जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। 25 मार्च बड़ा रविवार, बस एक आम का पत्ता इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाएंगे आप। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको आम के पत्ते के द्वारा किया जाने वाला उपाय बताऊंगी। 25 मार्च नवरात्रि का 8वां दिन। इस दिन जैसा मैंने आपको बताया कि महागौरी की पूजा की जाती है। ये महागौरी माँ दुर्गा की 8वीं रूप है। इनकी अगर आप इस दिन पूजा आराधना करते हैं तो आपके ऊपर का बड़ा से बड़ा संकट दूर हो जाता है। इसके साथ ही यदि आपका कोई बड़ा काम अटका हुआ है तो वो भी पूरा होने में इस उपाय से आपको मदद मिलती है। इस माता की आराधना आप इस दिन जरूर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को उपाय का फल मिल जाता है और कुछ लोगों को इन उपायों का फल थोड़े बाद में या थोड़ी देर से मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे उपाय होते हैं वो कुछ दिन के ग्रह मान के अनुसार ही होते हैं। यदि आपकी राशि का ग्रह मान खराब हो तो हो सकता है कि आपको इस उपाय का फल 2 दिन बाद 5 दिन बाद मिल सकता है और कुछ और लोगों को इन उपायों का फल अगले दिन ही मिल जाता है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अगर आपके राशि का ग्रह मान या आपका ग्रह बहुत ही कमजोर है तो आप इन उपायों से पहले वो ग्रह प्रबल करने में मदद मिलेगी, उसके बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके जीवन में आपको फर्क चाहिए तो आप इन उपायों को जरूर करें। आप खुद देखेंगे कि आपको कितना फर्क मिलेगा। तो आइए बात करते हैं उस उपाय की। आपको एक छोटे से कटोरे में शुद्ध पानी लेना होगा। ये पानी बिल्कुल शुद्ध और पीने वाला पानी होना चाहिए। उस पानी के कटोरे को लेकर आप पूजा घर के सामने बैठ जाएं और वहाँ पर आपको इस पानी के कटोरे को रख देना है। उसके बाद आपको वहीं पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना होगा। इससे पहले भी जो मैंने आपको उपाय बताया था उसमें भी मैंने आपको दीपक जलाने को कहा था। तो यदि आप ये दोनों उपाय करते हैं तो आप एक ही दीपक दोनों उपायों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको जय सियाराम इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। राम नवमी होने के कारण आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। राम नाम का जाप करने से घर की नकारात्मक शक्तियों को आप भगा सकते हैं। राम नाम का 21 बार जाप होने के बाद आपको उस पानी के कटोरे को अपने दाहिने हाथ से उठाना होगा और उस कटोरे से आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपको उस कटोरे से बोल देनी है। इच्छाएं बोलते वक्त आपको उस कटोरे में जो भी वो पानी होगा उस पानी में खुद का चेहरा देखते हुए आपको ये सारी इच्छाएं बोलनी होगी। इच्छाएं बोलने के बाद आपको एक आम का पत्ता लेना होगा। उस आम के पत्ते से आपको इस कटोरे में जो भी वो पानी होगा उस पानी को आपको आपके पूरे घर के हर एक कमरे के कोने में आपको इसे छिड़क देना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि टॉयलेट या बाथरूम के कोने में आपको इस पानी को नहीं छिड़कना है। बाकी हर एक कमरे के हर एक कोने में आपको इस पानी को छिड़क देना है। जैसे ही हर एक कमरे में आप ये पानी छिड़कोगे तो यदि कोई नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्ति उस कमरे में होगी तो वो आपका घर छोड़ देगी और दूर चली जाएगी। और इसीलिए इस उपाय होने के तुरंत बाद आपको और आपके घर के हर एक सदस्य को एक अलग तरह के एनर्जी का घर में एहसास होगा। आप इसे एक सकारात्मक एनर्जी भी कह सकते हैं। आपके घर का माहौल अचानक से बदल जाएगा। इसका आपको और आपके फैमिली को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उस दिन या अगले दिन भी आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। आपके घर में कोई अच्छी चीज हो सकती है। कहीं से आपके घर में अटका हुआ धन आ सकता है। इस उपाय को आपको 25 मार्च के रात 9 बजे के बाद करना होगा और यदि हो सके तो आप उस आम के पत्ते को दिन में ही तोड़कर अपने घर में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।